हाय एवरीवन, मु अमन सर आपको वेलकम करुच्ची यूट्यूब चैनल ले। आज देखु पुणी आउ थे लॉकडाउन आसिक पहुँची, आम चेष्टा कर लॉकडाउन भितर स्टूडेंट मैंने बहुत सफर रोचे जेहेतु एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैंने बंद होने ट्राए कर लॉकडाउन भितर केमती किसी प्लान करवा सो दैट निज कि इम्प्रूव कर। देखु लॉकडाउन मीन्स समस्त लाइफ रोटा प्रॉब्लम आसी लॉकडाउन मैंने समस्त किए मॉनेटरी प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप रो प्रॉब्लम लाइफ रे आसी जाइए कि भावुची एटा स्टूडेंट मान गोटे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम। बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम केमती ना आम टाइम। देखु लॉकडाउन मान आपण का घर को भी जीवार ना, आपण घर कई रिलेटिव भी आसवर ना, कौन सी आपण टाइम वेस्ट हवार ना, तेल आप टाइम टाक कौन ना गोटे शेड्यूल करके जानवा। देखु वेस्ट टाइम टाइम वेस्ट करवा के आप ट्राए करेनि कहीं लॉकडाउन ने एत एनफ टाइम मिल से एनफ टाइम रमें शेड्यूल करके पाठ पढ़ा आरंभ करवा। तेणु लॉकडाउन आपन को बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी, आप ऑनलाइन क्लासेस रु शिखिपर एवं तापर कौन ना आप ऑनलाइन टेस्ट दे पारे घर बस कि चैप्टर बेसिक रु स्टार्ट करेंगे। जस्ट एग्जांपल मुझे दूची जदि आप गोटे चैप्टर लेट आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाक चाहूँ कि आप बेसिक क्लीयर नए बट से किसी क्लास रे कंप्लीट हो जाए कि आपको किसी प्रॉब्लम अच्छे आपन कौन करेंगे स्कूल्स बही आई स्टार्ट करेंगे बेसिक रु आप क्लीयर हो पारे। तेणु सब लॉकडाउन ने मो मत गोटे टाइम शेड्यूल फिक्स करा। शेड्यूल केमती फिक्स करवा डेली तो ट्राए करी मुझे भावी मॉर्निंग 5 AM रे उठापी। देखो 5 AM रे उठी आप जेहेतु कोरोना अच्छी घरे समस्त एडवाइस दिंतु मॉर्निंग वॉक करूँ कि एक्सरसाइज करूँ सो दैट आप 1 hour निज हेल्थ उपर दिंतु कहीं हेल्थ आमर भल रे आम पढ़ापी माइंडटा भी फ्रेश रही सब से प्लांटा को आम आप्लाय करवा। 5 to 6 आम सब ट्राए करवा निजर एक्सरसाइज करने को। सेकेंड थर्ड आम 6 to 10 मुझे भावुँ 4 घंटा आप जो रहा आप पढ़ा पूरा टाइम दिखुद फुल टाइम टा स्टडी देवा। जदि आपको गोटे सब्जेक्ट रे बोरींग तेणु सब्जेक्ट चेंज कर दिखुद आप मैथ करुँ मैथ रे प्रॉब्लम हो इंग्लीश पढ़ु इंग्लीश प्रॉब्लम हो जीके पढ़ु जीके प्रॉब्लम हो करेन्ट अफेयर को जातु ना रिजनिंग पढ़ु। देखते 10 पर्यटन आपको पढ़ा कम्प्लीट कले नेक्स्ट 1 hour आप पुणी रेस्ट नहीं कि खावा पीवा जेकोसी कम कर पुणी 11 to 1 PM आम पढ़ी पार बुझीपारे ना ना। नेक्स्ट वन आम कौन करवा ना तापर आम फूडिंग लंच आम खत्म करनिटारूँ इवनिंग 4 PM पढ़ा को लगे मेनली 2 hour आम स्टडी कंटिन्यू हम। नेक्स्ट वन कौन ना आप चाहिए 4 to 6 hour एनिथिंग आप अदर वर्क प्लांटेसन हो आपर व्टरिंग होनीथिंग आप करूँ। नेक्स्ट गोटे शेड्यूल रखिए 6 to 11 आम कंटिन्यू पूरा पढ़ी पार। तेणु एति की ट्राए करेंगे जे के गोटे टाइम वेस्ट हेनी आ गोटे शेड्यूल प्लान हम। आ सब बेस्ट थिंग आप सका गोटे डायरी मेंटेन करूँ आ डायरी लिखतु जे आज मत कौन करार अच्छे के टाइम पढ़वार अच्छे बात टाइम मोर वेस्ट होते टाइम मुझे कंप्लीट करी सो दैट आपणकर सका मॉर्निंग रू गोटे प्रमिज हम आ गए डिटरमिनेशन क्रिएट हम। नेक्स्ट वन आप कौन करेंगे नाइट रे सोइबा पूर्व ओनली से देखु चेकआउट करूँ जे आप जहाँ भी सका डिटरमिनेशन करेंटा आप कम्प्लीट कर कि ना जदि आप देखते धीरे धीरे आप डिटरमिनेशन कम्प्लीट हो डिटरमिनेशन कम्प्लीट होगले मुझे लाइफ रे भावी एनी गोल आचिव करवा आपको इजी हो। तेणु प्रमिजेस करूँ जोटा छोट छोट प्रमिजेस करवा सका 2 घंटा पढ़वी आप नाइट रे देखिले मुझे 2 घंटा भी ही पढ़िली सो दैट आपको बेटर हम टाइम शेड्यूल मैनेजमेंट कर निजर कन्फिडेन्स ग्रोथ कर मुझे भावुची बोध लाइफ रे निजर कन्फिडेन्स ग्रोथ हो गले लाइफ रे नो वन द स्काई इज द लिमिट आम जमी जानी नो वन कैन स्टॉप यू आप कहीं भी अटकई पारे आप गोटे दिन आसो आप कमिटमेंट करेंगे मत SBI क्लर्क पाइबार अच्छी पाइबे SSC पाइबार अच्छी पाइबे जहाँ आप गोल सैटिस्फाए करेंगे। तेणु प्लान करूँ शेड्यूल करूँ मुझे भावुची सबुदिन टाइम टेबुल मेन्टेन करूँ। लॉकडाउन जो आमर टाइम आपण पाए एत टाइम अच्छी ताकू आम गोटे लॉकडाउन को गोटे प्रॉब्लम बोली न होगी लॉकडाउन को आम सब गोटे अपॉर्चुनिटी बोली भाविया कापाई ना आम गोटे अपॉर्चुनिटी भाव देखूँ लोक फाइनेंशियली हो कितने प्रॉब्लम पड़ुंट आप ट्राए करेंगे कौन से फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करेंगे करेंगे देखो आप 6 months पर मे बी लॉकडाउन आमर रिमूव हो सांग देखा आप गोटे सब्जेक्ट रु वीक अच्छा स्ट्रंगनेस आनी दे
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ର କୌଣସି ଡେଟ୍ ବି ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ପୋଷ୍ଟପଣ୍ଡ୍, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଆସିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉ, ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ପାଇଁ ହେଉ, ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ପାଇଁ ବି ହେଉ, ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ର ଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ର ଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମେ କହୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ କହନ୍ତି ଟାଇମ୍ କେବେ ଲେଟ୍ରେ ସେ କେବେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କରେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ଯିଏକି ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼ି ପାରିଥିଲେ, କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଟର୍ମିନେସନ୍, ତାଙ୍କର ଡେଟର୍ମିନେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ବି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୋଧେ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ବା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନର୍ମାଲ୍ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ନା ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବି ଭାବି ଦେଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଘରେ ବି ଭାବିପାରିବେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ସଜାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜାଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ମାନେ ବେଟର୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏମିତି ଥାଉ ଯେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଆମର ପଢ଼ିବାର ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁ। ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ, ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଷ୍ଟ କେହି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯିଏ ଟାଇମ୍ର ଠିକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ତା'ଠୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଜର ଟାଇମ୍ର ୱେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେନି, ଟାଇମ୍ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ କରୋନାରେ ସେ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।